पाकिस्तानी मुस्लिम शादी या इंडियन मुस्लिम शादी? वेल, मैं तो प्रिफर करूंगी हमारी इंडियन मुस्लिम शादी, क्योंकि यहाँ बनती है चिकन अंगारा जो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं बनती है और सबसे ज्यादा हिट मेकिंग है शादियों की। Assalamualaikum viewers, this is Zainab Ali from Zainab Cook House. तो आप सभी की फरमाइश पे मैं लेकर आई हूँ केटरिंग स्टाइल चिकन अंगारा जो मिलती है शादियों में। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत है और उतना ही टेस्टी है। सो, आप ज़रूर से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया और लाल मिर्ची का पाउडर। चिकन है तो हर एक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्रेडिएंट का लिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ चेक करें। एक बोल ले लीजिए, उसमें गरम मसाला डालिए, हल्दी डालिए, नमक डालिए, इसको मैरिनेट करना है बेसिकली। यहाँ पे गया धनिया पाउडर। आप अगर घर पे बना रहे हैं तो फ्रेश यूज़ करें, होममेड यूज़ करें, बाहर का यूज़ ना करें। और यह है रेड चिली पाउडर, जो है कश्मीरी वाली, तीखी वाली नहीं है, कश्मीरी वाली है। इसमें गया है फूड कलर। अभी ये जो मेकिंग है वो बावर्ची स्टाइल है, भटियारा स्टाइल है, तो कलर तो जाना ही है। अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर लीजिए। इसके बाद इन्होंने डाल दिया है 1250 ग्राम चिकन। अब आपको चिकन बोनलेस यूज़ करना है तो बोनलेस यूज़ करें, अगर आपको विथ बोन यूज़ करना है तो विथ बोन यूज़ करें। जो भी आपको करना है आप यूज़ कर सकते हैं, उसको मैरिनेट कर दीजिए। यहाँ पे इसका जो बेस है वो है टमाटो और ओनियन का ग्रेवी। तो आप टमाटो को अच्छे से कट कर लीजिए, ओनियन को कट कर लीजिए और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप हमेशा चेक करिए, क्योंकि वहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट का लिस्ट देती हूँ, तो आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। अब यहाँ पे बन गया है इसका पेस्ट, एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है आपको। इसके बाद गया है रेड चिली पाउडर, जो है कश्मीरी वाली, तीखी वाली नहीं है, फूड कलर बाद में डाला जाएगा। और ये गया है आपका धनिया पाउडर। फूड कलर अगेन आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर लीजिए। और ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको नींद आ सकती है। फिर गया है बड़ी इलायची, थोड़ा सा तेज़पत्ता, जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमेशा प्रीफर करें फ्रेश यूज़ करें, होममेड यूज़ करें, बाज़ार का यूज़ ना करें। थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। ये है काजू कनी, जो बारीक काजू होते हैं ना, आपको ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। आपको काजू कनी का इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेना है, क्योंकि इसका सेकंड बेस है। ये है बेसन, बेसन थोड़ा यूज़ करना है। पहले हम बना लेते हैं इसका पेस्ट का तड़का, जो है जीरा, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, बेसन और काजू कनी का पेस्ट। तो इसको आपको भूनना है अच्छे से, इतना भून लेना है जब तक कि आपका बेसन और काजू कनी में से उनका जो नेचुरल ऑयल है वो रिलीज़ ना हो जाए। सो गाइस, ये जो है ये मेकिंग है भटियारा स्टाइल, केटरिंग स्टाइल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और जो न्यू है इस चैनल पे उसे सब्सक्राइब करें। अब आपने देखा ये जो ग्रेवी है, ये बहुत लेंथी ग्रेवी है, आपको इसे बहुत टाइम लगेगा बनाने के लिए। और ये जो क्वांटिटी है, ये अराउंड 1 किलो को आपको ग्रेवी बनेगा। 1 किलो का जब आप ग्रेवी बनाते हो तो आपको चिकन थोड़ा ज़्यादा लेना है, अराउंड 1200 ग्राम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा। अब गया है इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा, एकदम हल्का सा, क्योंकि ये पेस्ट जो है वो आपको थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होना चाहिए। अब देखिए इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। चिकन अंगारा बनाना इतना हार्ड नहीं है, बट इसका प्रोसेस बहुत है। 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ऐसे बना जाता है। अब आपको इसे साइड में रख लेना है और जो चिकन को जो पहले मैरिनेट किया था इसको बारबेक्यू कर लेना है। आपको 60% तक इसे कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि ये अभी ग्रेवी में भी पकने वाला है। सो मेक श्योर यू आर बारबेक्यूइंग ओनली फॉर 70-75%। गिरा देना बाबू।
अब यहाँ पे आ गया शिमला मिर्ची और इसका ग्रेवी का प्रिपेरेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। आपको इसमें ऑयल डालना है, बटर डालना है। बटर कंपलसरी है क्योंकि ये चिकन अंगारा का मेन इंग्रेडिएंट है ऑयल के बेस में। इसमें आपको डालना है हल्का सा ज़ीरा। ज़ीरा फ्रेश यूज़ करें, स्टेल ज़ीरा यूज़ ना करें क्योंकि उसका अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा। इसमें आपको डालना है एक तेज़पत्ता। गाइस यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ ज़ैनब कुक हाउस। वहाँ पे भी मैं कुछ टिप्स अपलोड करती हूँ, आप उसे भी चेक करें। इसके बाद आपको डाल देना है इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसे अच्छा भून लीजिए। उसके बाद जो टमाटो और ओनियन का हमने पेस्ट बनाया था वो आपको डाल देना है। अगेन आई एम सेइंग इफ़ यू वांट टू स्किप फूड कलर यू कैन स्किप, बट ये मेकिंग जो है वो भटियारा स्टाइल की है तो उसमें कलर जो है वो अच्छा लगता है। अब आपको इसे इतना भून लेना है जितना हमने पहले कैशू नट और बेसन को भुना था, ठीक है, ऑयल रिलीज़ होने तक। अच्छे से भून लीजिए इसको क्योंकि आप जितना अच्छा भूनोगे उसका टेस्ट अच्छा आएगा। जो बारबेक्यू किया था चिकन, आप उसे डाल के उसे अच्छे से अगेन भून लीजिए ताकि पूरा जो मसाला है वो प्रॉपरली अंगारे में जाए। चिकन अंगारा का मतलब यही है कि आप इसे स्मोक फ्लेवर दें। अब आपने जो पेस्ट बनाया था काजू कनी का वो आपको डाल देना है और अच्छे से वापस उसे भून लेना है। कोई भी कुकिंग का मेन स्टेप यही होता है कि आप उसे भूनते कैसे हैं। जितना आप अच्छा भूनोगे उसका टेस्ट अच्छा आएगा। शिमला मिर्ची डाल देना है आपको मीडियम साइज़ की, ज़्यादा बड़ी नहीं, वरना ऐसा लगेगा कि वो सब्ज़ी बना रहे हो आप चिकन के साथ। अच्छे से भून लीजिए 5 से 10 मिनट। इसके बाद आपका जाएगा गरम मसाला। तो गरम मसाला पाउडर आपको अच्छे से डालना है क्योंकि अगर आप बासी गरम मसाला डालोगे तो आपका जो ये है ग्रेवी वो कड़वा हो सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी भी दूंगी गरम मसाले की कि होममेड गरम मसाला कैसे बनाते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा डाल देना है पानी। तो साथियों आई होप आपको ये पसंद आया होगा चिकन अंगारा की जो मेकिंग है बावर्ची स्टाइल। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा तो यही कोशिश है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मुस्लिम स्टाइल वेडिंग फूड्स दिखाऊं जो बहुत आपको पसंद आए। आप लाइक करें और अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।